गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शूट एपिकल मेरिस्टम का पार्ट 3 देखेंगे। अब तक हमने 2 वीडियोस शूट एपिकल मेरिस्टम के पढ़े हैं और उन दोनों वीडियोस में हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। पहली थ्योरी थी एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी थी हिस्टोजन थ्योरी और तीसरी थी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। आज हम चौथी थ्योरी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फोर्थ थ्योरी जो है वह है साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन, और साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन जो है वह ग्रिफोर्ड साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करी थी, उन्होंने बताया था इसके बारे में। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो किसी भी शूट एपेक्स को तो आपको जोनेशंस दिखाई देते हैं, और वह जोनेशंस इन एडिशन टू ट्यूनिका और कॉर्पस जोनेशन है, मतलब ट्यूनिका और कॉर्पस के अलावा भी आपको जोनेशन नज़र आती है। तो देखते हैं कि ग्रिफोर्ड साइंटिस्ट ने कौन कौन सी जोनेशंस या किन किन जोन्स के अंदर शूट एपेक्स को विभाजित किया था। तो बेसिकली यहाँ पर 4 जोन्स जो हैं वह देखी गई हैं। कौन कौन सी जोन्स वह देख लेते हैं। पहली जोन है इसमें ट्यूनिका इनिशियल, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, सबसे आउटर जो दिख रही है आपको, दैट इज़ ट्यूनिका इनिशियल्स, और यह एपिकल ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब बिल्कुल सिरे पे, शूट के बिल्कुल सिरे पे यह प्रेजेंट है और यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद हैं इस ट्यूनिका इनिशियल के अंदर। दूसरा आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके नीचे, वह है कॉर्पस इनिशियल। कॉर्पस इनिशियल जो है आपको बताया ही मैंने कि ट्यूनिका इनिशियल के बिल्कुल नीचे जो है वह इनिशियल है कॉर्पस इनिशियल, जो कि एक तरीके से आप मान सकते हो सेंट्रल मदर सेल या सेंट्रल मदर जोन जो था, जैसा कि आपने ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अंदर जो कॉर्पस रीजन था उसमें देखा था, उसी के समान है यह कॉर्पस इनिशियल। तीसरी जो जोन यहाँ पर आप देख रहे हैं वह तीसरी जोन है पेरीफेरल जोन। पेरीफेरल जोन जो है वह पेरीफेरी मतलब किनारे पर जो प्रेजेंट होती है, वह पेरीफेरल जोन यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में। चौथा जो जोनेशन है वह है रिब मेरिस्टम। रिब मेरिस्टम जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कॉर्पस इनिशियल जो है उसके बिल्कुल नीचे जो प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं रिब मेरिस्टम। अब हमने देखा इसमें 4 जोनेशन देखी, जिसमें कि ट्यूनिका इनिशियल देखा, कॉर्पस इनिशियल देखा, पेरिफेरल जोन देखी और रिब मेरिस्टम देखी। थोड़ा सा और डिटेल हम इसमें देखते हैं क्या है। ट्यूनिका इसेंशियल्स जो हैं बेसिकली इस रीजन में, आउटर मोस्ट रीजन में हम देखते हैं, वह कंट्रीब्यूट करते हैं सेल्स को। ट्यूनिका इनिशियल्स कंट्रीब्यूट सेल्स टू द सेंट्रल मदर सेल जोन एंड टू पेरिफेरल मेरिस्टम। यह एक तरीके से सेल्स कंट्रीब्यूट या सेल्स देते हैं किसको, सेंट्रल जोन को, सेंट्रल मदर जोन, ये जो जोन है सेंट्रल मदर जोन इसको देते हैं, और कुछ पार्ट ये पेरिफेरल जोन को भी या पेरिफेरल मेरिस्टम को भी देते हैं, कौन से, ट्यूनिका इनिशियल। अब सेंट्रल मदर सेल जो है वह डोनेट करती है कुछ सेल्स किसको, रिब मेरिस्टम को। रिब मेरिस्टम आप देख रहे हैं इस सेंट्रल जोन जो है, ये सेंट्रल जोन है तो इसके बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो है वह रिब जोन कहलाती है, रिब मेरिस्टम कहलाती है उसको, और पिथ को। अगर आप किसी भी स्टेम को देखते हैं तो बाहर से अंदर तक देखने में, जैसे अगर आप टीएस काट रहे हैं तो उसकी आउटर लेयर से अंदर तक देखते हो तो अंदर आपको पिथ रीजन ही दिखाई देता है। तो बिल्कुल अंदर डीपेस्ट जो पार्ट है वह पिथ ही हो गया एक तरीके से। तो रिब मेरिस्टम जो सेल डोनेट करेगी वह कौन से एरिया को करेगी, पिथ एरिया को करेगी। पेरिफेरल मेरिस्टम जो है वह हाईली मेरिस्टमैटिक रीजन है। लीफ प्रिमोर्डिया ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेयर। अब पेरिफेरल जोन जो आप देख रहे हैं, ये देखिए चित्र में देखिए, ये पेरिफेरल जोन है और ये आप लीफ प्रिमोर्डिया यहाँ पर देख रहे हैं। तो पेरिफेरल जोन ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होती है लीफ के प्रिमोर्डियाज को की उत्पत्ति करने में। तो अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं तो हमको 3-4 चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। जैसा कि पिछली ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में हमने आपको बताया था कि ट्यूनिका और कॉर्पस जो है वह लेयर्ड सिस्टम है और उसमें L1, L2, L3 हमने डिनोट किए थे, जिसमें कि L1 और L2 ट्यूनिका की लेयर्स थी और L3 जो है वह कॉर्पस की
लेयर थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे L1 जो है बिल्कुल बाहरी लेयर है और यह लेयर जो है वह एपिडर्मिस को जनरेट करती है। L2 और L3, आप L2 देखिए अंदर वाला पार्ट और उससे भी अंदर वाला पार्ट जो है वो L3 है। यह इंटरनल जो टिश्यूज़ हैं, एपिडर्मिस तो बाहर का लेयर हो गया बिल्कुल, और उसके इंटरनल जो टिश्यूज़ हैं, ऐसा माना गया है इस थ्योरी के आधार पर कि इंटरनल टिश्यूज़ जो हैं वह L2 और L3 रीजन से बनते हैं। जहाँ तक कि सेल इनिशियल्स की बात है या सेल्स डोनेट करने की बात है या सेल देने की बात है, तो हमने इस चीज़ में पाया कि साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार कि जो ट्यूनिका इनिशियल होता है, वह ट्यूनिका इनिशियल जो है वह सेल डोनेट करता है सेंट्रल मदर सेल को, और सेंट्रल मदर सेल जो है वह डोनेट करती है सेल्स रिब जोन को। कुछ ट्यूनिका इनिशियल्स जो हैं, कुछ सेल्स डोनेट करता है अपने पेरिफेरल जोन को भी, और पेरिफेरल जोन जो है सबसे ज़्यादा मेरिस्टमैटिक मानी जाती है, तो इसलिए इसका जो ये जो मेरिस्टमैटिक जोन जो है, पेरिफेरल मेरिस्टमैटिक जोन, यह लीफ प्रिमोर्डियाज की उत्पत्ति करने में सहायक होती है। अब कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन आपको बताते हैं। आपने ये डिफरेंट थ्योरीज़ यहाँ पर पढ़ी जो कि अलग अलग तरीके की बातें इसमें आपको सामने आई, जिसमें कि थ्योरीज़ के कई मेरिट्स थे, कई डीमेरिट्स थे, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी आपने पढ़े, उसके आधार पर हमने कंक्लूड किया। तो प्रेजेंट डे कंसेप्ट जो है, अगर आज के दौर में हम देखते हैं कि इन थ्योरीज़ से हम क्या समझते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंट डे कंसेप्ट is that the different zones in the shoot apex are fundamentally same and capable of producing all the tissues. कि ये जो जोनेशन है, अगर इनका बेसिक नेचर देखा जाए, बेसिकली या फंडामेंटली देखा जाए, तो इनका आधार सबका एक ही है। कहने का मतलब कि हर कोई जोन जो है कोई भी टिशू बना सकती है। अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये बनाती है, ये टिशू, ये जोन ये बनाती है, ये जोन। लेकिन अगर हमने सारी थ्योरीज़ पढ़ के एक निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि शूट एपेक्स के जितने भी सेल्स हैं, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल टिश्यूज़। जितने भी टिश्यूज़ बन रहे हैं प्लांट में, वो सब जो है वह एपिकल मेरिस्टम बना सकती है। मतलब डिफ्रेंसिएशन सब तरह के सेल्स का हो सकता है। इट इज़ द पोजिशन इन द मेरिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ द डेरिवेटिव। मेरिस्टम की पोजीशन क्या है, कि वह जो सेल्स हैं जो कि मेरिस्टमेटिक हैं, वह किस जगह पे मौजूद हैं, वह एक आधार बनता है कि वह किस प्रकार का ऑर्गन या कौन सा ऑर्गन बनावे। जैसे कि सपोज़ उदाहरण के लिए हमने अभी देखा मेरिस्टम जो था आपका, पेरिफेरल मेरिस्टम जो देखा, वह किनारे पे आपने देखा कि पेरिफेरल मेरिस्टम आ रहा है। वह पेरिफेरल मेरिस्टम जो है वह लीफ प्रिमोर्डिया को बना रहा है, लीफ की उत्पत्ति कर रहा है। तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि एपेक्स के बिल्कुल, मतलब शूट के सिरे पे जो सिरा है, उसके शीर्ष जो है, उसके बहुत पास में ही लीफ प्रिमोर्डिया लीव्स की उत्पत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पेरिफेरल जोन है, जो किनारे वाली जोन है, वही एक तरीके से लीफ प्रिमोर्डिया को बना रही है। तो ये इससे ये पॉइंट हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या पोजीशन है मेरिस्टम की, वह पोजीशन जो है वही डिसाइड करती है कि क्या चीज़ बनेगी, कौन सा डेरिवेटिव बनेगा। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द जोन्स सम जीन्स आर एक्टिवेटेड एंड अदर आर रिप्रेस्ड, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। कहने का तात्पर्य यह है कि जोन्स जो हैं, जो डिफरेंट जोन्स जो यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं डिफरेंट थ्योरीज में, उनके अंदर डिफरेंट कुछ जीन्स पाई जाती हैं, और जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है सभी जगह, आपको पता है कि प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। तो ये यहाँ पे जोन्स की बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट जोन्स हमने पढ़ी थी उनमें भी जीन्स मौजूद हैं, लेकिन कौन सा जीन कैसे एक्टिवेट होगा, कब एक्टिवेट होगा, या एक जीन एक्टिवेट हो गया इस जोन में, दूसरा जीन एक्टिवेट नहीं हुआ, दूसरा जीन रिप्रेस हो गया, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि कौन सा जीन एक्टिवेट हुआ है, जो जीन एक्टिवेट हुआ है और वह जीन किस ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही टिश्यू वहाँ पर
डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यह भी हम मान सकते हैं कि जब जेनेटिक स्टडी करी गई डिफरेंट जोनेशन की, तो जोन्स में कुछ जीन्स पाए गए जो कि एक्टिव थे, कुछ जीन्स एक्टिव नहीं थे। तो जो जीन एक्टिव थे उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्गन वहाँ पे बना दिया, और कुछ जीन जो रिप्रेस थे वो यहाँ इस जोन में रिप्रेस्ड हैं, लेकिन मान लीजिए किसी और जोन के अंदर वह एक्टिव हैं तो वह कोई दूसरा टिश्यू बना देंगे। तो डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वह इन जीन की एक्टिविटी के आधार पर भी निर्भर करता है। और दूसरा आपको बताया कि पोजीशन जो है मेरिस्टम की क्या पोजीशन है उस पर भी यह आधार, वह भी एक आधार है जो कि यह बताता है कि उस मेरिस्टम से क्या चीज़ बनेगी, क्या डिफरेंशिएट होगा। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा, और साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन के बारे में जो हमने पढ़ा वह आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, आप बुक से भी इस चीज़ को पढ़िए। सारी जो हमने थ्योरीज़ थी शूट एपिकल मेरिस्टम से जितनी रिलेटेड थ्योरीज थी मैंने आपको सब पढ़ा दी है। यह तीनों वीडियोज़ आप देखिए पूरा अच्छे से, यह टॉपिक इन तीन वीडियोज़ में हमने कवर कर लिया है। फिर से कहूँगी आपको कि अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है इसमें भी प्रश्न लिख के पूछ सकते हैं। और पढ़ाई करिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।